जहन साथियों, जैसा कि आप देखते हैं कि पर डे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आता हूं, ठीक उसी प्रकार से आज भी मैं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं। आज हम उसी जोश और धमाल के साथ में सभी क्वेश्चनों को चीरते फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और देखते जाएंगे। जैसा कि आप देखते हो कि पेपर नजदीक आ गए हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। तो पर डे में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट एक ना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ। तो आज देखते हैं हम बगैर देरी किए हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति क्या है? यहाँ देखते हैं, कभी भी नाव को क्या मानना है, आप एक्स मानना, और धारा को क्या मान लेना, धारा को वाई मान लेना। तो यहाँ पे देखते हैं नाव की गति दी हुई है, x बराबर कितना दिया हुआ है, उसने कहा है कि रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय कर सकती है। यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। जब हम 75 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब उसने आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। वह धारा के विपरीत, तो धारा कितनी हुई है, वाई दी हुई है। 48 किलोमीटर 4 घंटे में क्या कर सकती है, तय कर सकती है। तो 12 चौके 48, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, नहीं आ जाएगा। तो उसने कहा है कि पानी की धारा की गति क्या है, तो धारा क्या है, वाई है। y बराबर होता है x माइनस वाई, तो x का मान कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर। तो x बराबर 18 किलोमीटर माइनस y, तो 12 किलोमीटर। तो टोटल क्या हो जाएगा इसका, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे होंगे आप लोग, साइड में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी फास्ट तरीका से लगाएंगे, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं हमारे पास में, तो बहुत तेजी से लगाना है हमें क्वेश्चनों को, और साथ साथ में लगाते चलेंगे। इसमें दिया है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो उसने दिया है 16, 24 और 28, 16, 24 और 28 इससे विभाजित होने वाली, इनसे विभाजित होने वाली कोई सबसे बड़ी संख्या, तो संख्या भी मैं लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 99, 14, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 97, 64, ऑप्शन जो सी है सी पे दिया हुआ है 97, 44, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 98, 64। इतना दिया हुआ है 98, 64 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम कि जो 16 है, तो 16 तो 8 से 2 और 8 से डिवाइड हुआ 24, 8 और 3 से डिवाइड हुआ 28, 2 और कितने से 14, या फिर 4 और 7 चौके 28, तो 4 और 7 से डिवाइड हुआ। यहाँ पे देखते हैं हम, ऐसी संख्या चाहिए हमें जो कि कितने से, 8 से डिवाइड हो और 7 से, दो दो अंक पकड़ेंगे हम यहाँ, 8 और 7 पकड़ेंगे, कोई भी अंक पकड़ लेते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, या 3 से विभाज्यता का नियम, सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं हम। 9, 9, 18, 19, 19 और 4 कितना, 23, 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। 9, 6, 4, 10, 10 और 9, 19, 19, 7, 26, 26 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन को बाहर करना है। अब यहाँ पे देखते हैं 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15 और 9 कितना होता है, 15, 5, 20 और 4, 24 यहाँ पे जा सकता है। आगे देखते हैं 6, 4, 10, 10, 19, 27, 27 यहाँ भी जा सकता है। तो ऑप्शन दो अहम छांट चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, या 8 से विभाज्यता, 7 यहाँ पे 8 का भी भाग चला जाएगा, यहाँ पे भी 8 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से कम कर देते हैं
यदि वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं यहाँ पे अंतिम अंक तो 974 लिखा, इस अंक को दो गुना करना है, इससे क्या करना है? कम करना है। तो यहाँ होगा 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ भी 6 बचा, यहाँ भी 9 बचा। इसमें कितने से भाग जाना चाहिए? 7 से भाग जाना चाहिए। तो 7 एक कम 7 2 बचा, यहाँ पे कितना होगा? 26, 7 21, 21 7 21 होगा, यहाँ पे कितना बचा? 5, 7 8 56। तो कितना हो जाएगा? ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे देखने जाएंगे तो इसको हम 8 6 इसको हम दो गुना करेंगे, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 9 बचेगा। इसमें जब हम भाग देंगे तो 7 एक कम 7 2 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया? 27 होगा। 7 21 7 चौके 28 होता 6 बचा 68 हुआ, 68 में जाएगा नहीं, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस टाइप से हम ऑप्शन छांट करके लगाएंगे, हम हमें क्वेश्चन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बंटन का बहुलक 21 तथा माध्य 36 है, इस बंटन की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक, बहुलक बराबर तीन माध्यिका, माध्यिका माइनस दो माध्य, माध्य इतना होता है। तो बहुलक कितना दिया हुआ है उसने? 21, 21 तो क्या दे चुका है? वो बहुलक दे चुका है। माध्यिका हमें क्या करना है? फाइंड करना है, था ज्ञात करना है। तो 3x मान लिया माइनस 2, तो माध्य कितना है? 36, 36 दूना 72। जब इस संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो कितना होगा? 3x बराबर और यहाँ पे 72 प्लस 21, तो 3x बराबर 2 बाई 3, 7 2 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 तिरका 9, 3 एक कम 3, तो कितना माध्य क्या होगा हमारा? कितना होगा? 31 होगा। माध्य कितना होगा? 31 हो जाएगा। माध्य हमें फाइंड करना था, तो हम माध्य को इस टाइप से फाइंड करेंगे, बगैर देरी के हम क्वेश्चनों को बहुत ही तेजी के साथ लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कथन दिए हुए हैं, कथनों को मैं पढ़ता हूं, यहाँ पर साइड में आप लोग देख रहे होंगे, तो देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये क्या है? वास्तविक संख्या। हाँ है, करेक्ट है आंसर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक आप लोग बताना, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन यह उसके साथ साथ में एक क्या है? अपरिमेय संख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्हवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे दिया हुआ है 31, 31 पे कितनी? 7.5 की घात चढ़ी हुई है, भागे 31, 3/2 की घात चढ़ी हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 31 माइनस 3 बराबर रूट 3 पे कितने की घात? x की घात चढ़ी हुई है। यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब कहीं भाग में संख्या लगी हो तो वहां पे क्या कर देते हैं? घातों का माइनस कर देते हैं। तो 31, 7.5, इसमें इसका 2/3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1.25 इतना आएगा, गुणा 3 31 पे इतने की घात माइनस रूट 3 पे एक्स की घात इतना आएगा। जब हम इसको इसमें से कम करेंगे तो 31 इसको कम करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, गुणा माइनस का 3 बराबर रूट 3 पे एक्स की घात, या क्वेश्चन मार्क लगा है तो एक्स लगा है। यहाँ पे देखते हैं हम, जब गुणा में संख्या क्या होता है? होती है, जुड़ जाती है, तो ये 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 31 पे 3 की घात बराबर
अब इसको यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पे 3 31 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्रत्येक दशा में कितना लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, तो 31 आएगा। यहाँ पे कितने की घात लग जाएगी, x बटे 2 की घात लगेगी। हम यदि यहाँ पे ये बराबर है, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 3 बराबर x बटे 2। तो x का मान हमें फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, x का मान 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम देखेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो x के स्थान पर हमें कितना रखना है, 6 रखना है। 6 रखेंगे तो क्या होंगी, संख्याएं बराबर हो जाएंगी सभी संख्याएं। इसके आगे देखते हैं हम, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी पर स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है, बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। यहाँ पे देखते हैं, उसने 11 पारी खेली होगी सबसे पहले, जब तो वो 12 पारी में गया है, 11 पारी खेल चुका होगा ना, इसके बाद में 12वीं में गया होगा, तो 11 पारियों में उसका औसत कितना है, मैंने माना x है। जब वह 12वीं पारी में पहुंचा तो उसका औसत क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको मैं सबसे पहले 11x मान लूंगा। जब वह 12वीं पारी में पहुंचा तो उसका क्या हो गया, औसत 5 बढ़ गया है। तो सबसे पहले 11 पारी तो वह पूरी कर चुका है, लेकिन जब हम 11 पारी और 12वीं पारी को, ये क्या है, 12वीं पारी का है, जब हम 11वीं पारी और 12वीं पारी को बराबर करेंगे तो x में से 5 को कम कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका 12वीं पारी में क्या हो गया है, स्कोर बढ़ गया है। कितना हो गया है, बढ़ गया है, तो इसको हम कम कर देंगे। इसके बाद में 11वीं पारी और 12वीं पारी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 11x बराबर 12x माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 12 इस साइड से इस साइड जाएगा, या इसको उस साइड ले जाओ, तो 12x माइनस 11x बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो x का मान कितना हुआ, 60 हुआ। जब हम यहाँ 12वीं पारी का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान हम जब यहाँ रखेंगे तो 60 में कितना जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 65 हो जाएगा। कितना होगा, 65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन तो तमाम दिए हुए हैं, लेकिन जितने हो पाते हैं उतना मैं फास्ट तरीके से कराऊंगा, ताकि आपका कोई टर्म लॉस ना हो, इसलिए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। 60 लीटर अम्ल तथा पानी का मिश्रण है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो टोटल कितना है, 60 लीटर है। उसने कितना कहा, 60 लीटर मिश्रण है, उसमें से उसने कहा कि 2:1 के अनुपात में है अम्ल तथा क्या है, वाटर है, अर्थात पानी है। अम्ल को हमें ज्ञात करना है, तो टोटल कितना है, 3 हो जाएगा, 2:3 है। अम्ल अम्ल और पानी दिया हुआ है, पानी अम्ल का कितना है, 2 और पानी का 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा टोटल। टोटल विलयन तो होगा, 3 होगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि 60 लीटर मिश्रण है, तो टोटल तो 60 है, लेकिन दोनों का रेशियो में कितना है, 3 है। अम्ल हमें ज्ञात करना है, तो अम्ल ज्ञात कर लेंगे जब हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अम्ल प्राप्त हो जाएगा और पानी भी प्राप्त हो जाएगा, कि कितना इसमें मिश्रण में अम्ल और कितना पानी है। तो 3 × 6 हो जाएगा, 2 × 4, तो 40 लीटर तो उसमें खाली क्या है, अम्ल है। पानी जब टोटल 60 लीटर है, 40 लीटर अम्ल है, तो पानी कितना होगा, पानी उसमें कितना होगा, 20 लीटर होगा। इतना समझ पाए, अम्ल टोटल 60 लीटर है, लेकिन अम्ल उसमें 40 लीटर है, पानी उसमें कितना होगा, 20 लीटर है। अब इसके बाद में देखते हैं, उसने कहा है कि इसमें जो घोल है इसमें पानी कितना मिला दिया जाए, तो अम्ल कितना है, 40 है, पानी मिलाना है हमें, तो 20 + x मैंने पानी मिला दिया है। इसके बाद में उसने कहा है कि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, तो 1/2 हो जाए। इतना ही ज्ञात करना था,
40 दूना 80 त्रिया गुणा कर देंगे हम, तो 20 प्लस एक्स बराबर 80, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 लीटर यदि हम बैलन में पानी भर देंगे तो कितना रेशियो हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रेशियो बदलना था हमें, तो रेशियो वही प्राप्त होगा 1:2, जो कि हम आसानी से और कम चंद सेकंडों में हम प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2000 रुपए पर 20% और 10% एवं 10% की दो क्रमक छूटों में अंतर क्या होगा। रुपए कितना दिया हुआ है उसने, 2000, कितना रुपए दिया हुआ है, 2000 रुपए दिया हुआ है। एक तो दी हुई है उसने क्या, एक छूट दी हुई है, एकल छूट दी हुई है 20% की, लेकिन एकल जो एकल बट्टा की है तो वो दो छूटें दी हुई है, जो सिंगल सिंगल छूटी दी हुई है, एक 10% की और एक 10% की, तो ये दी हुई है, इनका हमें निकालना है, इसका और इसका अंतर ज्ञात करना है। इसका हम देखो ज्ञात करते हैं, 10 + 10 एक फॉर्मूला पढ़ाया था, x + y + माइनस x × y/100, इससे क्या होगा, हमें एकल छूट प्राप्त होगी, -10 × 10/100, 2 0 से 2 0, 10 × 20 -1 कितना होगा 19%। 19% और 20% के बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, तो 2000 रुपये पर अंतर है, 2000 रुपये पर 1/100, यहाँ पे 20% और 19% में एक का अंतर था, तो यहाँ पे कितना मैंने अंतर 1/20 100 कर दिया है, एक का अंतर, 2 0 से 2 0, तो कितना अंतर आ जाएगा, 20 रुपये का अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा होगा। इस प्रकार से करना था तो हम आसानी से कर सके उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड के साथ में करेंगे हम। 25 अवकलनों का माध्य 36 है, इन अवकलनों में से यदि पहले 13 अवकलनों का माध्य 32 है और अंतिम 13 अवकलनों का माध्य 40 है, तो 13वां अवकलन है कौन सा है, टोटल कितने हैं 25 है, 25 अवकलनों का माध्य कितना है 36 है, तो एक का हमें ज्ञात करना है, तो 25 × 36, 25 × 6 कितना हो जाएगा 150, 0 आ जाएगा, हाँ की 15, 25 × 3 = 75, 75 × 15 कितना होता 90, तो 25 एक का कितना आ गया 900 आ गया। अब उसने कहा है कि पहले 13 अवकलनों का माध्य कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो एक का हमें ज्ञात करना है, तो 13 का हम इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 13 × 26 = 6, 13 × 3 = 39, 40 और 41 हो जाएगा, 13 × 26 = 6, 13 × 3 = 39, 40 = 41, ठीक है कोई बात नहीं है। अंतिम 13 का माध्य उसने कितना बताया 40, तो एक का हमें ज्ञात करना है, तो हम 13 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 13 × 52 कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, 13 × 13 = 26 होता है, टोटल कितना होगा 26 होता है, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे 416, 552, 6 और 2 = 8, 1 और 1 = 2, 5 + 4 = 9, 928 ये है, 900 ये है, तो जो अगला है, अगला होगा वो कितना होगा 900, ठीक है कोई बात नहीं, 13 × 26 = 6, 13 × 3 = 39, 40 × 41, ठीक है, 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 इतना आएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, इसके बीच में 25 का कितना था, 25 का टोटल 25 का माध्य था कितना 900, यहाँ पे 26 हो गया, तो 26 का कितना आया 936, 26 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 36, तो जो 13वां था वो कितना था 36 था, इस प्रकार से हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जो कि मैंने क्या कर दी है, पूर्ण रूप से ठीक कर दी है, इसके आगे इस प्रकार से लगाना था जिस प्रकार से
आपने लगाया है। मैं आशा करता हूं कि आपने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3897 में जोड़ा जाए जाना चाहिए ताकि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण विभाज्य हो। योग जोड़ना है, देखो ऑप्शन से लगाते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 17, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 43 अर्थात 43, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 33, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 3। ये दिया हुआ है इसको कितने से 38 57। यदि मैं ऑप्शन ए को रखूं इसमें जोड़ना है तो हम इसको जोड़ देंगे तो हमें कितने कितने से विभाजित होना चाहिए 5, 6, 4 और 3 से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, इसको देख लेंगे 0 या 5 होना चाहिए। 6 में 2 या 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 में 4 का तो हमसे बन जाएगा, 3 में इनका योग कितने से डिवाइड होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे, इसमें रखेंगे हम 17 को, तो 7 × 2 = 14, 5 × 1 5, 6 × 7 = 8, 3। यहाँ पे हम जब हम किससे 5 से डिवाइड होगा ये नहीं होगा, अर्थात ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को रख करके देखते हैं, ऑप्शन बी 43 है, ऑप्शन बी 7, 3, 10 का 0 किया गया 1, 5, 4, 9, 9, 1, 10 का 0 किया गया 1, 9, 3, 39 हुआ। यहाँ पे देखते हैं हम 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। 6 से डिवाइड होगा ये 6 से देखते हैं, 4 से सबसे पहले 4 से भी देख लेंगे, 3 से तो 9, 3, 12, 3 से भी हो जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 × 9 = 36 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 तो 4 से भी हो जाएगा। 6 से देखते हैं तो 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30 तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना हमें भाग देना पड़ेगा सब में अलग अलग। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर कर सकती है। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है, बी का निकालना है हमें। यदि ए उसने सबसे पहले कहा है ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं, बी और सी मिलकर कर सकते हैं, इतना तो बराबर हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यदि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काल को कितने दिन में कर सकते हैं तो 8 दिन में कर सकते हैं, 1/8 मान लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ कोई दर्द कुछ नहीं है चलो। और सी अकेला इसे 40 दिनों में कर सकता है, बी का हमें ज्ञात करना है तो बी का हम मान लेंगे 1/x। अब यहां देखते हैं हम, यहां पे यदि हम इसमें हम बी का मान रख देंगे तो क्या हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। यदि हम इस समीकरण में इसका मान रख देंगे तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर रख के देखते हैं हम, ए प्लस 1/x बराबर 1/8, तो 1/x = 1/8 माइनस कितना होगा 1/x हो जाएगा। इसको हम इस साइड लाए हैं, यहाँ पे ए का मान आएगा, सॉरी ए का मान। अब हमारे पास ए का बी का सी का सभी का मान आ चुका है, अब हम इसमें रख देंगे, ए का मान ये है 1/8 माइनस 1/x बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 1/x, सी का मान कितना दिया हुआ है तो 1/4, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। इसको हम या इसको इस साइड लाएंगे, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, 4 नहीं है 40 है, कितना है 40 है, 40 दिया हुआ है यहाँ पे, सी का मान 40 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको, तो 1/x प्लस 1/x बराबर इसको हम इस साइड लाए हैं तो 1/8
माइनस 1/40 इतना हो जाएगा, नीचे नीचे x हो जाएगा, ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा। मैंने क्या लिया, एलसीएम x हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 का गुणा 1 तो 2 आ गया। यहाँ पे कितना लेंगे हम, 40 लेंगे, 8 × 5 = 40 माइनस 40 × 1 = 40 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे रख करके तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, तो 2/x = 4/40। 4 का हम इसमें भाग देंगे तो 2/x = 1/10 आ जाएगा, 1/10। तो इसका हम त्रिक गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो b अकेला कितने दिनों में उसे पूरा कर सकता है, 20 दिनों में फाइनल कर सकता है। इस प्रकार से और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही फास्ट लगाना है हमें, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम क्वेश्चनों को सवाल सवाल करके लगाएंगे, सवाल सवाल करके क्वेश्चनों को लगाने का टाइम नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, फास्ट लगाना पड़ेगा। आप मेरे साथ साथ लगाते जाइए। इसके आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 72/38, 72/38 माइनस ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 माइनस ब्रैकेट 31 माइनस 60 गुणे सॉरी भागे 4/5 ब्रैकेट सभी लगे हुए, सभी ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क लगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास से करना है, किससे करना है, सॉल्व कैसे करेंगे हम, बोर्ड मास से करेंगे, BODMAS बोर्ड मास, B से हो जाएगा ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट होगा जो भी उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद में O से होगा ऑफ अर्थात काकी के, काकी के। D से हो जाएगा डिवाइड यानी भाग, M से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए से हो जाएगा एडिशन अर्थात जोड़, एफ से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ, सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा वाला ब्रैकेट, तो छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम, भाग देंगे। तो 15 × 4 = 15 आएगा, 15×75 यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना होगा हमें, 15 प्राप्त होगा। इसको हम हटा करके 15 लिख देते हैं, 15 लिखा, 15 × 5 = 15 तो 15×75, तो मैंने क्या कर दिया, 75 लिख दिए यहाँ। 75 में से जब 31 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा हमें, 5 में से 1 गया तो 4 और 7 में से 3 गया तो 4 44 हुआ। यहाँ पे माइनस का प्राप्त होगा, तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट तो लगा हुआ है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये ब्रैकेट इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 30 आया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। 30 और 44 कितना होता है, 74।